अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं दीबा लीम दीबा की दुनिया में आप लोग का वेलकम करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ विंटर स्पेशल मेथी चिकन मलाई। ये खाने में बहुत टेस्टी था और देखने में तो आप लोग को लग ही रहा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। इसकी रेसिपी देख लीजिए, मुझे क्या क्या चाहिए। चिकन, प्याज, मेथी जो मैंने अपने किचन गार्डन से तोड़ी है, टमाटर। प्याज को अभी हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का सा बस फ्राई करना है। तब तक चिकन मैरिनेशन के लिए रख देते हैं थोड़ा। इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डलेगा, रेड चिली पाउडर डालेंगे थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही सा पड़ेगा। उसके बाद हल्दी पाउडर डालेंगे और इसको 10 to 15 मिनट रेस्ट के लिए रखेंगे। ये मेथी मेरी किचन गार्डन की है जो मैंने शाम को तोड़ी थी, तो उसको मैं कट कर रही हूँ। अभी देखिए प्याज फ्राई हो चुका है, इतने ही फ्राई चाहिए हमें, हम निकाल लेते हैं। अब जो मैंने मेथी तोड़ के रखी थी उसको भी फ्राई करेंगे इसी तेल में। मेथी भी फ्राई करके निकाल लेंगे। अब मिक्सर में प्याज डालेंगे, टमाटर डालेंगे और दही डालेंगे। हम 4 टेबल स्पून दही डालेंगे और सारे स्पाइसेस डालेंगे। देखेंगे फ्राई हो चुकी है। अब इसमें सारे स्पाइसेस डालेंगे, ज़ीरा, गोल मिर्च, बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची डालेंगे, जावित्री डालेंगे, लौंग डालेंगे। तो मैंने मेरे चिकन के हिसाब से लिया, आप लोग जितनी क्वांटिटी आप बनाएंगे उस हिसाब से लेंगे। तब इसको ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड हो चुका है। अभी मैंने उस जिसमें मेथी को फ्राई किया था उसी में ऑयल डालेंगे और अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 2 टेबल स्पून। इसको सौते करेंगे। तेज़पत्ता और दालचीनी डालेंगे टेस्ट के लिए। और जो मैंने मसाले पीस के रखे थे अब उसको डालेंगे। मसाला अच्छी तरीके से भूनना चाहिए, जितना मसाला भूनता है उतना ही टेस्ट आता है। तो मसाले को 15 मिनट तक मैं भूनूंगी। रेड हल्दी पाउडर डालेंगे और रेड चिली पाउडर डालेंगे। चिकन मैरिनेशन में हमने बहुत थोड़ा सा डाला था, तो अभी मसाले में मसाले के हिसाब से डालेंगे ग्रीन चिली। अभी ये भुन चुका है तो इसमें मैं चिकन डाल के भूनूंगी और चिकन को भी 15 to 20 मिनट तक भूनेंगे। जब तक इसमें एक एरोमेटिक स्मेल नहीं आती है तब तक भूनते रहेंगे। और इसमें नमक डालेंगे अभी अपने टेस्ट के मुताबिक। अभी देखेंगे 15 मिनट बाद, ये खोल के मैंने देखा है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो जितना हम भूनते हैं उतना ही टेस्ट आता है, इस बात का ध्यान रखें कि हमें भुनाई बहुत अच्छे से करनी है और लो टू मीडियम फ्लेम पे ही हमें पकाना है, एकदम तेज़ पे नहीं पकाना है। और इस बात का ध्यान रखेंगे कि इसमें पानी नहीं डालेंगे। देखिए मैंने ज़रा भी पानी इसमें नहीं डाला हुआ है, पानी का यूज़ मैंने किया ही नहीं है। अब जो मेथी मैंने फ्राई करके रखी थी वो डालेंगे। इसको डाल करके 5 मिनट तक हम ऐसे ही ढक करके रखेंगे फिर चलाने के बाद। देखेंगे कितना अच्छा लग रहा है।
आप लोग इसे ज़रूर से ट्राई करिए। घर में बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है। अभी इसमें हम 4 टेबल स्पून मलाई डालेंगे, जो मेरे पास थी फ्रेश मलाई उसी को मैंने डाला हुआ है। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब देखिए बन चुका है हमारा चिकन, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो आप लोग प्लीज़ इसे ट्राई ज़रूर करिएगा, और अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, जहाँ जितना हो सके आप लोग शेयर करिए। अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब।